हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं दो बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। दोनों अपडेट सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दो बड़े अपडेट जिनसे सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सबसे ज़्यादा पेंशन, फैमिली पेंशन एज वेल एज सैलरी बढ़ने वाली है, वो दो बड़े अब वो आपके लिए खबरें हैं। पहला है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, साथ ही साथ दूसरी बड़े अपडेट जो आ रही है वो 18 मंथ के डीए और डीआर के एरियर्स को निकल कर आ रही है। दोनों से आपकी सैलरी और पेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एरियर भी मिल सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये दोनों खबरें आप सभी के लिए होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ब्लैक सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके पास लेटेस्ट अपडेट आए उसके लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी जो है देख पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑफिस मेमोरेंडम देखते हैं और कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की उनके पेंशन, कर्मचारियों की सैलरी और उन फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी सुलझाई जाती हैं। साथ ही साथ उनको बताया जाता है कि उनकी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, इसलिए हमसे जुड़कर जरूर रखिएगा। पहली बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं जो कि आ रही है 8वें वेतन आयोग के लेकर के। तो 8वें वेतन आयोग का गठन होना अभी बाकी है। आप सभी को पता है कि जब 7वें वेतन आयोग को गठन हुआ था तो 2 साल पहले एक कमेटी बन गई थी, ड्राफ्ट प्रिपरेशन हुआ था, कमेटी की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो कब होंगी वो सब चीज़ें की गई थी। तो वही सब हम लेकर आए हैं यहाँ पर कि अगर 2026 में, क्योंकि 2016 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, तो अगर 2026 में ये सब चीज़ें जो भी बताने वाला हूँ ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हालांकि ऑफिशियली कुछ नहीं अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और भी कई मीडिया सोर्सेस हैं उनके जरिए सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ड्राफ्ट प्रिपरेशन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ड्राफ्ट का जो प्रिपरेशन है वो 2024 से हो, क्योंकि 2 साल पहले से ये प्रोसेस चालू हो जाती है, आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो अगर ड्राफ्ट प्रिपरेशन 2024 में ही होता है तो जो कमीशन बनेगा उसकी जो अनाउंसमेंट होगी, कमीशन अनाउंसमेंट होगा वो 2024 तक हो सकता है। और अब उसी ड्राफ्ट की कमीशन की अनाउंसमेंट की बात करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 तक हो सकता है। तो फाइनली अब बात आती है कि 7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ी थी, आपको पता है ये पेंशन कैसे बढ़ी थी। तो आप सामने देख पा रहे हैं 7th CPC में आपकी जो सैलरी बढ़ी थी, जब 5th CPC के बाद से 6 में गए तो 6 में बेसिक जो थी मिनिमम 7000 रुपये थी, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पिवोटल जो रोल है वो प्ले करता है आपका फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 गुना आपका तय किया गया और उसी के बेसिस पर आपकी पेंशन, सैलरी और कर्मचारियों की बाकी चीज़ें जो अदर बेनिफिट्स थे वो सब तय किए गए। तो 7000 का फिटमेंट फैक्टर आप बहुत सुनते हैं, बेसिकली आप बहुत सारे मोस्टली पेंशनर्स को नहीं पता होता कि फिटमेंट फैक्टर क्या काम करता है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आपकी बेसिक सपोज जो भी है उसमें अगर आप 2.57 का गुना कर देंगे 6th पे कमीशन में, तो आपको 7th पे कमीशन में उसकी बेसिक देखने को मिल जाएगी। ये हालांकि ये एक राउंड फिगर है, इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है 2.7 गुना से, लेकिन राउंड फिगर लिया गया था। तो 7000 की बेसिक के बाद में उस पर 2.57 गुना किया गया और 18000 रुपये आपकी मिनिमम बेसिक कर्मचारियों की सैलरी बनी। अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कितना फिटमेंट फैक्टर लिया जा सकता है, अब उसकी हम बात करेंगे। तो फिटमेंट फैक्टर जो है नेक्स्ट 7000 रुपये से फिर से लिया जाएगा। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन मुझे बहुत सारे मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। हालांकि मुझे ये प्रैक्टिकली नहीं लगता है, क्योंकि 3.68 होने पर बेसिक सैलरी 25 से 26000 रुपये तक पहुंचेगी, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक अगर हम बात करें एवरेज कितना फिटमेंट फैक्टर लिया जा सकता है, तो मैंने वो लिया है, वो 3 लिया है। पहले 2.57 था, अब 3 होने की चांसेस हैं। अगर 3 होता है तो मिनिमम बेसिक कितना होगा आपका,
7,000 रुपये बेसिक पहले था, 3,000 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो बेसिक सैलरी बन सकती है वो 21,000 रुपये मिनिमम बेसिक हो सकती है। और ये प्रैक्टिकल भी है, जो लोग 25,000 26,000 रुपये बता रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी बेसिक में हाइक कभी नहीं होगी। 6th से 7th में हुआ था, लेकिन 7th से 8th में ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपकी इतनी ज़्यादा हाइक देखने को मिले, क्योंकि अभी आपके बहुत भी अदर बेनिफिट्स हैं, HRA TA DA और जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेसिक आपका होगा। तो लेवल वन की बात करें, अगर 8th पे कमीशन आता है और उसमें लेवल वन होगा तो 21,000 से स्टार्ट होने की पूरी पूरी चांसेस उसमें होंगे। तो अगर 21,000 रुपये बेसिक होगा तो उसके बाद में जैसे जैसे अब अगर आपको अपना खुद का देखना है कितना बेसिक आपका बनता है, तो आप अपना जो भी 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था उसमें 3 का गुणा करके आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि कितना आपको बेसिक मिल सकता है। अगर मान के चले फिटमेंट फैक्टर अगर 3.68 गुना वाकई में पहुंचता है तो कितना बेसिक होगा वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,000 रुपये बेसिक है, जिसमें 3.68 गुना करने पर बेसिक 25,760 रुपये जा सकती है। हालांकि मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि 21,000 रुपये ही देना काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की खर्च हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 25,760 रुपये पहुँच सकता है। लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है 21,000 रुपये बढ़े या 25,700 बढ़े, ऐसे में पेंशनर्स के लिए, क्योंकि बेसिक अगर 21,000 रुपये भी होती है तो भी पेंशनर्स के कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनकी बेसिक के ही DA HRA TA और बाकी जो अलाउंसेस होंगे वो मिलेंगे पेंशनर्स को भी, इसमें उसी हिसाब से सारी चीजें ऐड होंगी, HRA भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा एक एवरेज हम निकाल कर देखें फिटमेंट फैक्टर को, तो 3 फिटमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है और उसमें 21,000 रुपये मिनिमम बेसिक पेंशन स्टार्ट हो सकती है। दूसरी बड़ी आप लेकर खबर कर लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात, आप भी अब कमेंट करके बताइएगा कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और कितना 8वें वेतन आयोग में 8th पे कमीशन में कितनी बेसिक होने चाहिए पेंशनर्स की कर्मचारियों की, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आपकी राय के हिसाब से हम वो भी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है 18 मंथ्स के DA DR ADS को लेकर के। एक हम कैलकुलेटर लेके आए हैं कि लेवल वन में आपका कितना बेसिक है, कितना आपका TA है, उसके हिसाब से आपका कितना 18 मंथ्स के DA और DR का ADS मिलता है। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट पहले ही क्लियर कर चुकी है कि 18 मंथ्स में DA और DR मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन लगातार इससे बातचीत कर रहे हैं और मीडिया में अभी खबरें आई थी कि जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि अब कैबिनेट बैठक भी मुझे लगता नहीं हो पाएगी, बाकी अब चीज़ें इलेक्शंस के बाद होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको DA कैलकुलेटर आपका फ्रीज हुआ है तो फिर भी हम देख सकते हैं कितना आपको ऑफिशियल एरियर्स आपका बनता है। अगर हम मिनिमम में लेवल वन की बात कर रहा हूँ, जिसमें बेसिक मैंने 21,500 लिया है, और TA की बात करें तो मैंने हायर TPTA लिया है, और पेंशनर्स उसमें TA में नो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं समरी कैलकुलेशन ऑफ DA DR इन सैलरी इन फ्रीज पीरियड फॉर्म 1/1/2020 to 30/6/2021, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 के बीच में जो DA और DR फ्रीज हुआ था कितना था। अगर हम 2020 की बात करें तो बेसिक उस टाइम पे किसी कर्मचारी का या किसी पेंशनर्स का 21,500 था। उसके बाद में बेसिक बात करें 1 जुलाई 2020 की, तो 22,100 रुपये था, क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट हो चुका था। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो टोटल जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस थे वो 1,350 रुपये थे। अब देखना चाहेंगे हम कितना डिफरेंस आएगा, टोटल डिफरेंस आप अपना भी देख पाएंगे कितना डिफरेंस आया और कितना आपको एरियर मिल सकता है। DA की आप बात करें तो 70% था उस टाइम में, तो साल भर का DTA उस DA जो है उस टाइम पे 67,014 रुपये था। और एक्चुअल DA की बात करें जो उसमें आपको बढ़ते हुए क्रम पे मिलना था या एक्चुअल एरियर मिलना था वो था 96,042 रुपये। टोटल डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ DA DA में 29,028 रुपये का डिफरेंस था उस टाइम पे अगर आपको मिलता। अगर TA की बात करें, अगर आप सिर्फ कर्मचारी हैं तो आपको दोनों मिलेंगे TA और DA का एरियर्स, और अगर आप सिर्फ पेंशनर्स हैं तो आपको सिर्फ DA DA में 29,000 रुपये का आपको डिफरेंस था। लेकिन अगर आप TA भी है लेते हैं, यानी कर्मचारी को TA मिलता है, तो TA का जो है आपको पता है TA जो है DA पर ही होता है, तो DA के इम्पैक्ट पड़ने पर TA में भी बढ़ोतरी होती है। तो उस टाइम पे TA 17% के हिसाब से 4,131 रुपये था। एक्चुअल TA अमाउंट की बात करें 5,913 रुपये था, और डिफरेंस की बात करें तो 1782 रुपये डिफरेंस था। अगर हम टोटल डिफरेंस करें 18 मंथ्स के DA के और TA के, तो उसके हिसाब से आपको कितने प्रतिशत का टोटल एरियर्स मिलेगा, तो टोटल डिफरेंस दे सकते हैं 30,810 रुपये। और ये मैंने लिया है 21,500 की बेसिक पर। इसके अलावा आप अपनी भी बेसिक से चेक कर पाएंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप भी अपना देख पाएंगे कितने प्रतिशत आपको यहाँ पे कितना डीए और डीआर का एरियर मिल सकता है, अगर 18 मंथ्स का डीए और डीआर मिलता है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएगा कि 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, जिससे आपकी सारी ज़रूरतें सारी चीज़ें आपकी कम्प्लीट हो सके। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन।